के कर भी रहे हैं, सर्वाइव करते भी हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, कभी चला ठीक नहीं चला, घर से कोई मदद नहीं, कई ऐसे ही खपखपा भी जाते हैं, कई बन भी जाते हैं। ये दोनों केस जुड़े हुए हैं इसके साथ। हाय एवरीवन, मेरा नाम ईशान है। मैं 18 साल का था जब मुझे पहली बार रियलाइज हो गया था कि मुझे ट्रैवलिंग कितनी पसंद है। 12 साल की उम्र तक मुझे इतना समझ आ गया था कि मुझे आर्ट पसंद है। आर्ट मंजे क्रिएटिविटी, समझाना थोड़ा मुश्किल है पर मैं कोशिश करता हूँ। प्यार आर्ट का सबसे आसान फॉर्म होता है और इतिहास इसका गवाह है। और टेक्निकली भी सही है क्योंकि बचपन में ही हमको सिखा दिया जाता है कि प्यार क्या होता है, बट पहले हम रोना सीखते हैं फिर थोड़ा सस्ता सीखते हैं और फिर हमको समझ आ जाता है कि प्यार कितना जरूरी है और फिर हम सीधा करना ही शुरू कर देते हैं, पहले खुद से, घर वालों से, दुनिया वालों से। फिर जैसे हम बड़े होते हैं दुनिया अपना असली रंग दिखा देती है, हम भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर चुन लेते हैं, अपना वो एक साथी है। 15 साल तक सबकी जिंदगी लगभग सेम ही होती है, मेरी भी थी, उसका नाम रिया है। सब कपल्स की तरह हमको भी यही लगता था कि हमारा रोमांस सबसे अलग है और इसलिए भी क्योंकि हमारी कहानी हमारे हॉर्मोन्स से पहले ही रिलीज हो गई थी। और मतलब जो मैं बोल रहा होता था वो सोच रही होती थी और जो वो बोल रही होती थी मैं सोच रहा होता था। और ये मुझे इसलिए पता क्योंकि जब वो बोल रही होती थी जो मैं सोच रहा होता था वो एक बात एक दूसरे पर बैठ जाती थी और मैं बोलता था ये वही है जो मैं सोच रहा था। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम लोगों को बता देने के लिए कि असली प्यार क्या होता है, कैसा दिखता है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि हो रही मेरी ऐसी की तैसी है। कहानी वहां से शुरू होती है जब मैं स्कूल में था, मेरा दिमाग कॉलेज में था और मेरा दिल पहाड़ों पे। दिल और दिमाग मेरी छाती में सुअर और सांड बन के बैठ गए। मेरे दोस्तों को लगता है कि मेरी सटक चुकी है, इनमें उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैं उनको कुछ बताता नहीं हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाएंगे, बट इसलिए मेरे पास कुछ समझाने को है ही नहीं। मैं किसी को ऐसा कुछ कैसे समझाऊं जो मेरे खुद आधा समझ आता है। मैं अपनी लाइफ के उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां टीवी और नेटफ्लिक्स से ज्यादा मुझे अपने दिल और दिमाग, जी हां, सुअर और सांड को लड़ते झगड़ते देखने में मजा आता है। मेरे नजरिए से देखूं तो मेरे पास ज्यादा कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तुम्हारी एडवाइस ये है कि मैं क्यों ना कोई पंटर दोस्त बना के उनके साथ कैफे, मूवी, दारू, गाने गाऊं तो रहने दो, क्योंकि रात में सब अकेले ही सोते हैं जहां अक्सर मेरी नींद सपने खोते हैं। मैं तो ये तक कहूंगा कि मेरे को अपने सुअर और सांड को धोखे में पालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन दोनों को ईशान बनने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है उन्हें ईशान बनने की जरूरत? सो इन शॉर्ट तुम्हें पता है कि तुम किन किन चीजों में अच्छे हो? ट्रैवलिंग एंड म्यूजिक। या राइट, पर तुम्हें ये नहीं पता कि इन चीजों से पैसे कैसे कमाए, क्योंकि पैसे कमाना भी जरूरी है एंड दिस मेक्स यू लॉस्ट। एम्बिशनलेस या एंड आल्सो दिल्ली जैसे शहर में। See, the thing is, we all like to smile. और हमें यही सिखाया गया कि जो चीज़ें हमें खुश रखती हैं वो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ें हमें खुश नहीं रखती वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। So I have this theory. What theory? Theory of peace. Go on. हम humans का origin earth है और earth का origin space. हमको लाइट कब चाहिए होती है?
अंधेरा होता है. एग्जैक्टली तो हमको खुश रहने की जरूरत क्यों फील होती है? जो हम लोग सैड होते हैं. मे बी आई गेस. या राइट. तो नेक्स्ट टाइम जब हम खुशी ढूंढेंगे तो हमको देखना चाहिए कि सो बेसिकली सन की जगह सारे ब्राइट इमोशंस डाल दो और अंधेरे में सारे बुरे और नेगेटिव इमोशंस डाल दो. काक हो गए. दैट्स इंटरेस्टिंग. द वे एक एग्जांपल लेता हूं कि बट ये थॉट का ओरिजिन क्या है. जैसे अगर हम कोई थॉट सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सबकॉन्शियस माइंड में एक शैडो थॉट आ जाता है. सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम एक थॉट सोच रहे हैं तो उसका ऑटोमेटिकली एक शैडो थॉट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर कल मेरा एक जगह दिमाग में आएगा कि दोस्त खुश हो पार्टी में बट एट द सेम टाइम या अगर दोस्त 2000 लोग पार्टी में जा रहे हैं तो फक एग्जाम्स आ रहे हैं या लेक्चर लेना पड़ेगा. तो ऐसे तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे. या हम शांति में रह सकते हैं. आई मीन श्योर और शांति के बीच में सुकून है. अ मोर प्रॉमिसिंग एंड अ सस्टेनेबल इमोशन आई गेस. आजकल चांस इसीलिए टफ हो गए हैं कि लोग अपना पैसा लगाते हैं. अपने लोग लेते हैं जिनके yes. साथ वो कंफर्टेबल रहे. सो अपने बारे में कुछ और बताओ. ट्रैवलिंग का क्या ओरिजिन है? कोई लाख करोड़ में थोड़ा ठीक हो जो समझ जाए. Well, according to me, traveling can fix broken people. To at a very personal level, traveling to me is like having an orgasm. So where do you travel? Like, do you travel in hill? जरूरी नहीं है. एक अनजान शहर के एक अनजान सड़क भी काफी है ट्रैवलिंग ले. बट डिपेंड्स ऑन द बजट कि क्या बजट है ट्रिप का. ओके लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स और कमिटमेंट्स इफ एनी. सो डू यू हैव एनी फ्रेंड? पापा से बात करी तुमने? नहीं, पापा को भी बताने का फायदा नहीं है. मम्मी को एक रात पहले बताऊंगी, फिर वो देख लेंगे उनको कैसे डाइजेस्ट करना है. तो चल रहा है ना गोवा? बहुत मजे आएंगे. आई एम प्रीटी श्योर ये मेरा ग्रेजुएशन से पहले लास्ट ट्रिप होने वाला है. तो आई वांट टू डू इट माय वे. आई मीन इसके बाद पता नहीं मौका मिले ना मिले. चलना ड्रामेबाज, क्यों नहीं मिलेगा मौका. और वैसे भी मेरे पास गोवा लाइक फंड्स नहीं है. मेरी सेविंग्स मैंने जॉब करेगा नहीं, पेरेंट्स से पैसे मांगेगा नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ जा रहा है? शोभी शिमला के पास. तुझे पता है ना अगर तुझे पैसे से रिलेटेड कुछ भी हो तो तू मुझसे पूछ सकता है ना? Of course not. अच्छा क्लास के बाद क्या कर रहा है? बेब एक कॉम्पोजिशन है, उसका फाइनल ड्राफ्ट का टेम्पो थोड़ा ऑफ जा रहा है. शायद उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ. थोड़ा जल्दी कर लियो, क्लास के बाद चिल करने का सीन बन रहा है और तू चल रहा है. मैम नहीं नहीं सुनने वाली. मैडम एक सेकंड यार, बहुत स्लो फोन है मेरा यार. मैं एकदम से भी स्टेप 1 स्टेप 1 फोन खोल दिया. स्टेप 2 स्नैपचैट खोल दिया. मैंने बोला तो कॉल, मैंने बोला तो कॉल. स्टेप 3 आगे वो स्नैपचैट खोल दिया अपना. डॉग वाला फिल्टर क्या करेगी शक्ल तो ऐसे ऐसे जा रही. तो तेरी तो डॉग वाला फिल्टर ही तो बोल रही है इसलिए. किड्स
निकालने का ये फिल्टर रख अभी अपने पास फोन मेरा ही है मैं अपने पास ही रखेगा मैं आके पिक्चर लूंगी बाय डोंट कम बैक यू वोंट बी एबल Ishaan, my boy, from Tare Zameen Pe, come here. Ishaan, my boy, come here. Aao Tare Zameen Pe khele. Kya hal hai? Bhai, tu apna stud hai. Joote dekhe kitne sahi hai? Haan, Gande Nali ke joote Shimla tak jaate hai. Boo! Crazy dialogue, man. Crazy dialogue. Kya bhai, kyun mazhe le raha hai uske? शरीफ बच्चों के तो मजे तो हो गए क्या मैं तारे जमीन पर नहीं बोला तो तारे जमीन पे बोला तो क्या तारे जमीन पर ऑफेंसिव नहीं हुआ नहीं हुआ भाई इट वाज अ हिट फकिंग मूवी इट वाज अ हिट फकिंग मूवी ब्रो भाई तुम मजे मत ले ठीक है भाई वो शिमला हो गया है हम तो शिमला भी नहीं जा पाते हमारे को पैसे चाहिए होते हैं पैसा मांगता है शिमला जाने के लिए पैसा शिमला जाने के लिए चाहिए होते पैसे चाहे वो गंदी ना लगे पैशन पैशन चाहिए होता है कहीं भी जाने के लिए पैसे आ जाते हैं दर्द होता है भाई क्यों भाई क्या पैसा चाहिए होता है मैं बोल रहा हूँ शिमला जाने के लिए ईशान पैसा चाहिए होता है पैशन चाहिए होता है पैसा या पैशन पैसा छोड़ पैसा तो है नहीं तेरे पास दिक्कत है पर पैशन है भाई के पास जाने का पैशन है देख चला भी गया पैशन के साथ बुरा मान आ गया बुरा मान गया अरे यार बुरा मान गया भाई प्रमाण को नहीं बोलना था ऐसे तेज भाई खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझसे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझसे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझसे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से Do we end up here? मैं अपनी लाइफ देख रहा हूँ मैं तेरी लाइफ देख रहा हूँ मैं उन सबकी लाइफ देख रहा हूँ और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि उन सबका सब कुछ सॉलिड कैसे है उन सबको पता है उनको क्या करना है मैं यहाँ कैसे फंस गया ईशान इट्स ओके हर चीज का एक सही वक्त होता है आई एम टॉकिंग अबाउट माय फकिंग लाइफ क्या लाइफ इट्स नॉट राइट कुछ भी तो सही नहीं है मैं जिस इंसान को शीशे में देखता हूँ मैं वो इंसान हूँ ही नहीं और मेरी इस बात से पटती है कि मैं वो इंसान कभी बन ही नहीं पाऊंगा रात दिन बीत गए से तुझको क्या पता किसको क्या पता हाल दिल मेरे दिल की दास्तां तू क्या जानता तुझको नहीं पता जख्म कितने गहरे हम किस गली में रह रहे हम दर्द कब से सह रहे हमारे हम दर्द कितने है रहे चुप रह रहे ना किससे कह रहे किससे गह रहे हैं सब है बहरे देते आस सिर्फ मसले का हल साला किसी के पास नहीं कह दे कुछ सही देते सारे उसको बड़ा समय नहीं बेचाता मैं किसी के पास सिर्फ रब के सामने सर झुकाता मैं गिड़गिड़ा के फिर मांगू माफी आने दे असली बने को तू आने दे जिंदा दिल्ली से तू मेल खाता नकली बने का तो जाने दे आने दे असली बने को तू आने दे जिंदा दिल्ली से तू मेल खाता नकली बने का तो जाने दे आने दे असली बने को तू आने दे जिंदा दिल्ली से तू मेल खाता नकली बने का तो जाने दे आने दे आया मेहनत का खाते में आने दे लाया पब्लिक लगाते जब तो मत तो बजने दे शाने को जाने दे कंपोजिंग म्यूजिक हां तो कोई और थ्योरी बताओ आप थ्योरी ऑफ इमोशन क्या है ना इमोशंस का कोई सर पैर नहीं होता उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती शायद इसलिए वो वफादार भी नहीं होते इमोशंस की ज़िंदगी मुझे पता है शोर का अफेयर है ना इमोशंस के साथ वो एक दूसरे को कब से जानते हैं ये तो नहीं पता बट शोर बड़ा है उम्र में ओके तो तुम शोर को कब से जानते हो बचपन से क्या है ना इमोशन है एक लड़की जो है फकरिच
दुनिया भर का पैसा दौलत शोहरत है इसके पास, प्यार में लोग क्या नहीं कर देते, महल कुएं किले खून मर्डर। तो होता ऐसा है, पैसा इंसान की कमियां छुपा देता है, फिर लेम फनी हो जाता है, रूड एटीट्यूड बन जाता है और इनकॉम्पिटेंस पर्सनालिटी। तो इमोशंस, शोर एक एवरेज लड़का है जिसको वॉयलेंस ऑफ मीडियोक्रिटी पता है। तो इमोशन का अफेयर चल रहा है शोर के साथ। ईशान, तो सही में काउंसलर्स देख रहा है? मैं तेरी फ्रेंड रिया से बात करी। क्या बताएगी ईशान, सब लोग अलग होते हैं और जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तू तो सबसे अलग है। कैसे? ईशान तो वही करता है जो तुझे अच्छा लगता है और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और कुछ लोग तो सिर्फ वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स कहते हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स कर रहे होते हैं, जैसे फुटबॉल कोचिंग या फिर एमबीए डिग्री, जबकि उनका वो चीज़ करनी ही नहीं होती है। और पता है जब वो 50-60 साल बाद जब वो उनकी नींद खुलती है तो वो किसी और को देखते हैं शीशे में और फिर वो ये रियलाइज़ करते हैं कि वो इंसान थे ही नहीं और उनको इतना रिग्रेट होता है कि फिर दे जस्ट लूज इट। मैं बस ट्रिप पे जाने से पहले एक ऐसे बंदे से बात करना चाहता था जो जिसको मैं, मुझे इस बात का डर है कि मैं इस ट्रिप पे जाने से पहले एक बार किसी से दिल खोल के बात करना चाहता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, मतलब कोई मेरे को बिना जज कर एक बार पूरा समझे तो सही। मेरे को इस बात से डर लगता है कि अगर मैं गलत निकला तो मेरे साथ बहुत लोग हारेंगे। लाखों की भीड़ अब परिवार है, परादी से ज्यादा बेरोजगार है। सरकार का भी क्या दोष है, पराओं का संसार है। हमारा भी भीड़ में एक चेहरा जो देखा या नहीं, चाहिए जो हमको किसी के भी पास वो देखा सा वो अनदेखा नहीं। कुछ तो गलत है इस जीवन में, उम्मीदों की गहराई भीड़ की कलह में। देखी दुनिया जो दिखाई उन गीली कलमों ने, नरम हाथों ने और सुन कानों सी नमी आंखों में। विश्वास की वो रोशनी, उम्मीदों की वो किरने जो अंधेरों में है। ये लड़का है, ये लड़की, इनकी लैंग्वेज है, ये इन्हीं में बात करते हैं।
इनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, ज़्यादा कहानी है, जस्ट सेइंग। फ्लैट रोड भी इधर बेच के वापस आ गया, मतलब क्रीम एरिया जिसको कहते हैं, जहाँ हीरो लोग रहते हैं, उस एरिया। तो ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके साथ। HMV ने म्यूजिक निकाला, HMV बहुत बड़ी कंपनी होती थी, जिस फिल्म का वो म्यूजिक निकाल दे ना, HMV हिज मास्टर्स वॉइस, ये कैसेट्स आया करती थी पहले मार्केट में, उसकी फिल्मों का वो म्यूजिक बना था, उसका फोटो बाहर होता था, हम उस समय देख के बड़ा लगता है हमारा ही दोस्त है यार। तो कुछ भी नहीं बना, खत्म वो आगे। जम्मू में ही बैठा आके अपना बिजनेस ही संभाल रहा, फ्लैट रोड भी इधर बेच के वापस आ गया। नहीं, बड़ी बड़ी मुश्किल हालात में बड़े लड़के कर भी रहे हैं, सर्वाइव करते भी हैं, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी चला ठीक नहीं चला, घर से कोई मदद नहीं, कई ऐसे ही खप खपा भी जाते हैं, कई बन भी जाते हैं। ये दोनों केस जुड़े हुए हैं इसके साथ। फिर मतलब परवाह नहीं करनी होती। तुम म्यूजिक बनाते हो ना? कोशिश करता हूँ। मेरे लिए बनाओगे? गुजरात कहता भाई ऐसा कर, मुझे रिलायंस वालों के कैरमबोला के दो, कह रहा भाई उन्होंने बंद कर दिया, बंद कर दिए, कहीं से भी ला के दें, वो कैरम बोर्ड उनका चाहिए, मोर उनकी होनी चाहिए, मोर उनकी होनी चाहिए, माल का होना हो, हाँ। मोर मुझे लगा भाई ऐसा है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उन्होंने काम बंद कर दिया, 2 साल हो गए, उनकी वाइफ की तबीयत खराब चल रही है, इसलिए उन्होंने काम बंद कर दिया, अब फैक्ट्री खत्म कर दी सारी उन्होंने। फिर उसका एक दिन फोन आ गई मेरे को, भाई साहब वो कैरम बोर्ड चाहिए। मैं कहा सर ऐसा है, मैंने फैक्ट्री कर दी बंद, मेरा प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, मैं फैक्ट्री का ध्यान नहीं है मेरा, मेरा बीमारी तब ध्यान है, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि वो मैं एक कदम चलता हूँ 10 कदम आगे पहुँच जाती है, उस 10 कदम को रोकने की कोशिश करता हूँ, फिर 10 कदम और आगे पहुँच जाती है, मैं इस चक्कर में परेशान हुआ पड़ूँ, मैंने फैक्ट्री कर दी है बंद बिल्कुल। दादा, मैंने सुना है कि अक्सर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन छोटी छोटी गलतियाँ, उन छोटी छोटी इच्छाओं के बारे में सोचने लगते हैं जो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं की। आप सोचते हैं ऐसा? और अगर आप वक्त में वापस जा पाते तो वो कौन सी एक इच्छा है जो पूरी करना चाहेंगे, या कौन सी एक गलती है जिसे बदलना चाहेंगे?